अरे भैया आप, अरे इतनी देर से आपका वेट कर रहे हो, बड़ा टाइम लगा दिया आपने आने में। वो मैम बाहर बारिश हो रही थी ना, इसलिए लेट हो गया आने में। अच्छा भैया, मैं क्या कह रही थी कि आप ना यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लो जब तक बाहर बारिश में रुक जाएगी, वरना बारिश में ऑर्डर बांटते फिरोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं नहीं मैडम, मेरे को भी दूसरा ऑर्डर भी देने जाना है, इसलिए आप ऑर्डर के पैसे दो। अरे भैया आप चले जाना बारिश रुकने के बाद, मैंने मना थोड़ी किया है, लेकिन आप देखिए ना बाहर इतनी बारिश है, आप बीमार पड़ जाएंगे ना तो आपको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। वैसे भी रोड पे इतना ट्रैफिक है कि आप कहीं टाइम से पहुंच भी नहीं पाओ, कोई ऑर्डर भी नहीं करेगा इतनी बारिश में। आप एक काम करो, आराम से अंदर आ जाओ, मैंने चाय बनाई है वो पी लेना, और जब बारिश रुक जाए तो चले जाना। ठीक है? ठीक है मैम। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरे देखो कपड़े गीले भी हो रहे हैं और सोफा गंदा भी हो रहा है, आप ना मेरे को यहीं पे लगा दे दीजिए चाय, मैं यहीं पे खड़ा हो के पीता हूँ। अरे कोई बात नहीं, सोफा तो साफ हो जाएगा, आप बैठिए आराम से। अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप, इतना इम्पोर्टेंट सोफा है आपका, गंदा हो जाएगा। आप ना मेरे को यहीं पे लगा दे दो, मैं यहीं पे खड़े होकर पी लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके लिए चेयर लाती हूँ। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वैसे भैया कहाँ से हो आप? हम मैडम मेरठ से हैं। अच्छा आप मेरठ से हो, मेरी नानी भी मेरठ की हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वैसे मैडम चाय के लिए धन्यवाद, और सुबह से बहुत ठंड भी लग रही थी, और वैसे भी सुबह से मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। वैसे डिलीवरी कर रहे हो बारिश में, आप तो ऐसे बीमार हो जाओगे, मैं आपके लिए टॉवल लेके आती हूँ। ये लीजिए भैया, आप इससे अपने बाल पोंछ लीजिए। और वैसे भैया कितने पैसे हुए? मैडम 208 हो गए। अच्छा ठीक है, मैं आपके पैसे लेके आती हूँ। ओके। भैया चेंज की कोई जरूरत नहीं है, आप ये पैसे अपने पास रख लीजिए। अरे आप दिन भर डिलीवरी करते हैं, हम लोगों की जरूरतों का सामान पहुंचाते हैं उन तक, तो इतना एप्रिसिएशन तो बनता है ना आपके लिए, तो आप रख लीजिए। और भैया कुछ और चाहिए तो बताइए, खाना खाया आपने? हाँ जी मैडम, मैंने खाना खा लिया। चलिए अच्छी बात है, ये तो आप ना बहुत अच्छे हो। पता है मैं बहुत लोगों के घर पे डिलीवरी करता हूँ, लेकिन जरा सा लेट होने पर भी वो हमको सुनाते हैं, अरे कहाँ रह गया था कहाँ रह गया था, अरे बाहर बारिश हो रही है, आप लोगों की तरह मैं भी तो एक इंसान हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता है फिर ये लोग सुनाने लगते हैं। सही बोल रहे हो आप भैया, बिल्कुल। अब एसी में बैठने वालों को कहाँ पता होगा कि आप लोगों की जॉब में कितनी मेहनत लगती है, उनको तो बस ऑर्डर देना आता है। अगर डिलीवरी बॉय उनका सामान लेट लेके आए तो सुनाने लगते हैं, और तो और ये भी बोलते हैं कि अब सामान लेट आया है, हमारा खाना लेट आया है तो हम पैसे रिटर्न लेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो पैसे आप लोगों की सैलरी से कटते हैं। आप ना एकदम सही बोल रहे हो मैडम, हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है। छोड़िए भैया, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना काम अच्छे से करिए और खुश रहिए। थैंक यू मैडम, और वैसे भी बारिश रुक गई है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।